याद रखना, जब प्रभु के प्रेम में हम भर जाते हैं ना, तो नथिंग कैन स्टॉप अस, हमें कोई चीज रोक नहीं सकता, ना कोई पैसे का प्रॉब्लम, ना कोई रिलेशन का प्रॉब्लम, ना कोई नौकरी का प्रॉब्लम, ना कोई सेहत का प्रॉब्लम, ना कोई चाहत का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम मेरे को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गया हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सबों को नमस्कार। जय मसीह की, यीशु सहाय। परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं कि उसने एक अवसर और हमें दिया कि हम यहाँ पर एकत्रित हो सकें और इस बात को सुन सकें, उसकी आवाज़ को सुन सकें। आज मैं आपको जिस व्यक्ति से मिलाने जा रहा हूँ, उनका नाम है मिसेस अजीजा भक्तवत्सलम। ये एक मेरी छोटी बहन है, ये हम लोग का फैमिली फ्रेंडशिप है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री आपको बताना चाहता हूँ कि मेरी वाइफ आरती के जो ग्रैंडफादर थे, वो रेवरेंड एस ज्ञानवर्णम, वो मद्रास से एनएमएस मिशन के पायनियर मिशनरी बन के आए थे और इधर इस एरिया में शुरू करे काम अपना। वो उड़ीसा तरफ कुछ काम शुरू किया और उसके बाद वो आके पहले एमपी था, अभी छत्तीसगढ़ पेंड्रा मरवाही जो है, वहाँ मरवाही क्षेत्र में भी उन्होंने काम किया है और बहुत से उन्होंने एजुकेशन फील्ड में और रिलीजियस फील्ड में बहुत सारे काम उन्होंने किया, कई उपलब्धियाँ हैं। उसके बाद उनके जो दूसरे रिटायर होने के बाद दूसरे जो मिशनरी आए वो हैं रेवरेंड बी जे कृपाधानम। ये भी साउथ से हैं, आंध्र प्रदेश से हमारे, और हमारे और इनके फैमिली फ्रेंड्स हैं। और ये जब मरवाही में जाते थे, फादर मेरे वेंकट नगर में स्टेशन मास्टर थे, तो आना जाना था, मतलब रिलेशन वॉज मोर देन रिलेटिव्स ऐसा था। और ये कृपादानम जी जो है, यहाँ से शिफ्ट होके सरगुजा तरफ गए, अंबिकापुर तरफ, वहाँ पर इन्होंने करीब विद इन एन ईयर ही गेव 3000 बैप्टिजम्स और कई चर्चेस उन्होंने 300-400 चर्चेस बनाए, छोटे छोटे चर्चेस जो भी हैं गांव तरफ, मड चर्चेस थे। और वहाँ पर इतना वो काम किया, आखिर 8 स्कूल भी खोले उन्होंने। खैर, बड़े हिस्ट्री पे मैं जाऊँगा नहीं, लेकिन इतना है कि उनके बच्चे जो है 4 लड़के और 3 लड़कियाँ हैं, एक से एक टैलेंटेड, बहुत होशियार, बहुत क्या भयंकर होशियार सब लोग। और ये जो है बच्चे लोग मिल के ये काम शुरू किए और इंडिया में यहाँ पर अभी जो है जोसेफ कृपादानम करके बालकों में इंजीनियर होकर वो भी रिटायर हुए, वो ये मुन्नी जिसको बोलता हूँ मैं, ये अजीजा, इसके इससे बड़े वाले हैं। और वो वहाँ पर ये भाई लोग मिलके वो जितने भी मठ चर्चेस हैं, इन मठ चर्चेस को पक्के चर्चेस कन्वर्ट करने में लग गए। और पूरा पैसा इन लोग अपना आपस में शेयर करके करते थे, कुछ कुछ शायद कहीं से भी मिला जो भी है। ये जो है ये 17 चर्चेस करीब पक्का कन्वर्ट कर चुके हैं, एक से एक बड़े बढ़िया बिल्डिंग मॉडर्न चर्चेस हैं, मॉडर्न मतलब दिखते हैं एकदम। और अभी 3 चर्चेस और बन रहे हैं, कोविड के कारण शायद बंद पड़े काम या धीरे हो गया है, लेकिन ये इनकी मिनिस्ट्री है। और ये जो मेरे को ध्यान में ला रहा था कि किसको लाऊं, किससे बात करूं, तो मेरे को मुन्नी का याद आया, अजीजा का, और ये अभी हैदराबाद में है, तो मैं फ़ोन में बात किया। और ये लड़की जो है गाना लिखती है और ट्यून बनाती है और खुद गाती है, और ये जो है जबलपुर में रतिका वाला स्टूडियो जो है वहाँ पर शायद रिकॉर्ड करके सीडी वगैरह बनाई है, उसमें से गाने भेजी जो मेरे गाना पसंद आया। मैंने बोला बेटे ये वाला गाना गा, और वो गाना आपके सामने वो गाएगी और अपना भी इंट्रोडक्शन देगी। नाउ मुन्नी, हैंडेड ओवर टू यू। जय मसीह। मैं अजीजा भक्तवत्सलम आज बहुत खुश हूँ क्योंकि मेरे एक गीत को मेरे आदरणीय एवं प्रिय भाई डॉक्टर पी देवदास के कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। मैं रेवरेंड बीजे कृपादानम की सबसे छोटी बेटी हूँ। मेरे पति का नाम डॉक्टर बी भक्तवत्सलम था और हम लोग बालको कोरबा में बहुत खुशी से जीवन बिता रहे थे। 1990 में उनकी मृत्यु हो गई और मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ अकेले रह गई। मुझे बहुत दुख होता था और कभी कभी बहुत निराश भी हो जाती थी। ऐसे में मेरे भाई बहनों ने मुझे बहुत संबल दिया, मुझे बहुत समझाया कि तुम अब अपना पूरा समय प्रभु को दो। और मैंने उसके बाद से अपना जीवन बहुत अधिक रूप से प्रभु को देना शुरू किया। दिन भर बाइबल पढ़ती थी, प्रार्थना करती थी और अपने बच्चों को पढ़ाती थी तथा स्कूल में कार्य भी करती थी।
काफी व्यस्त जीवन था। ऐसे में भी प्रभु की बड़ी दया से मैंने कई गीत, कई कविताएं और कई कहानियां, लेख वगैरह लिखे। इन लेख, नाटकों एवं कहानियों का प्रकाशन कई अच्छी पत्रिकाओं में हुआ, जैसे मसीही आह्वान, तुरही, हृदय स्पर्शी एवं परिवार वेदी आदि में। और मैं इस प्रकार से लिखते गई और आज भी लिख रही हूँ, और प्रभु की दया से कहीं कहीं उसका प्रकाशन भी होते रहता है। संयुक्त महिला सम्मेलनों में कई बार मुझे मुख्य वक्ता के रूप में बुलाया गया, और वैसे भी मैं चर्च में बहुत एक्टिव रहती थी। अनेक महिला सभा और संडे स्कूल के बच्चों को गीत सिखाना, नाटक सिखाना, ये सब में मैं बहुत व्यस्त रही, और हमेशा चर्च के सभी कार्यक्रमों में मैं अपने सक्रिय योगदान दिया है। इस गीत को मैंने जबलपुर जाते समय ट्रेन में लिखा। वास्तव में मेरी बेटी जो है वो जबलपुर में पढ़ रही थी, मैं उससे मिलने जा रही थी, उस समय ट्रेन में इस गीत को मैंने लिखा, भक्ति स्तुति प्रेम धन्यवाद। और सचमुच में यह गीत मेरे हृदय की गहराइयों से निकली है, क्योंकि जब तक मैं प्रभु से दूर थी तब तक के मुझ में कोई शांति नहीं थी, और प्रभु के पास जब आई तो मुझे हृदय की बहुत शांति और सुकून मिला। आज मैं प्रभु से यही प्रार्थना करती हूँ कि अंतिम समय तक किसी न किसी रूप में मुझे अपने प्रयोग में लाए, और होने दे कि मैं हमेशा उसके साथ रहूं। आप सबको धन्यवाद। थैंक यू मुन्नी, थैंक यू फॉर योर नाइस सॉन्ग। एक अंतरा हमने सुना है, बाकी दो अंतरे बचे हैं जो आखिरी में करेंगे। और आखिरी में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये एनएमएस मिशन जो है ये GELC करके हो गया, गोसरेन एवेंजेलिकल लूथरन चर्च करके ये ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें
अब उनके बाद जो है दूसरे जब कोई रेवरेंड आनंद राव आए थे, उनके जाने के बाद यहाँ पर एक दूसरे जो टोप्पो करके हैं, जो ओबे टोप्पो करके, वो उन चार्ज में आए और वो सुपरिंटेंडेंट और चेयरमैन भी थे, वो भी रिटायर हो गए हैं अभी। मैंने बबलू को बोला कि बबलू कैसे भी करके उनका बेनिडिक्शन मेरे को चाहिए, तो किया। तो वो बुजुर्ग हैं और उनके बारे में मैं जब गया था वहाँ हगे इंस्टीट्यूट के लेने के लिए, तो मैं वहीं रुका था और उनके घर वालों से बातचीत हो रही थी, बता रहे थे लोग कि ये पास्टर साहब रिटायर हो गए उसके बाद भी साइकिल लेके निकल जाते हैं बुजुर्ग, और इनको वहाँ के लोग पूरा बोलते हैं, आसपास के लोग उनको एलिया बोलते हैं कि कहाँ दिखता कहाँ नहीं दिखता, पता नहीं गायब हो जाते हैं, ये पूरा दीवाने मतलब प्रभु के काम के लिए, और करके फिर कब घर लौटते क्या नहीं मालूम। तो उनको आशीष आखिरी में होगा, मैं पहले से बता दे रहा हूँ, उनको भी आप ध्यान से सुनिए, दैट इज ए गुड ब्लेसिंग, और कि वो उनको हमें प्राप्त हुआ उनका आशीष हमारे लिए। अब जो भी है, अब आगे मैं अपने को बताना चाहता हूँ कि आज हम आप अध्ययन के लिए मत्ती रचि सुसमाचार उसका 9वां अध्याय निकाल लें और उसमें पहले 8 वचन जो है पढ़ेंगे, आप पढ़ लेना, मैं उसको पारी पारी से बताऊंगा। और यहाँ पर लकवे के रोगी को चंगा करना करके हेडिंग दिया हुआ है, ये मरकुस में भी आपको दूसरे अध्याय में मिलेगा, लुका में भी 5वें अध्याय में 17-26 तक शायद मिलेगा, ये बाइबल में ऊपर लिखा है, ये तीनों गॉस्पल्स ने इसको वर्णन किया है। और ये जो पहला है, यहाँ पर एक चीज आप ध्यान से देखिए कि यीशु अपने नगर में आया, मतलब पहले वचन में लिखा है फिर वह नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, कफरनहूम में आया, और देखो कई लोग लकवे के एक रोगी को खाट पर रख कर उसके पास ले आए, लकवे को खाट पर रखकर ले कई लोग करके, और तीनों गॉस्पल्स ने यही लिखा है कि कई लोग नहीं नहीं तीनों नहीं दो लिखा है और एक मरकुस ने इसको थोड़ा डिटेल में लिखा, उसने बोला 4 लोग करके बोला है, 4 लोग लेके आए करके कहा, यहाँ पर कई लोग बोला 4 लोग बोला। देखिए कोई भी इंसिडेंट होता है ना उसको आप दिखा दीजिए, और दिखाने के बाद जितने बच्चे क्लास में बैठे हैं उनको बोलिए जो आप देखे हो लिखो, और जब लिखेंगे ना तो सबको कोई कुछ छोड़ देगा, कोई कुछ छोड़ देगा, कोई कुछ लिखेगा, मतलब को बढ़ा चढ़ा के कम करके जो भी है सबका एक जैसा नहीं रहेगा, चीज वही है, वैसे ही ये 3 गॉस्पल्स लोगों ने लिखा है और ये चीज वही है, लेकिन कोई कुछ मिस कर गया, कोई कई लोगों को बोला, मतलब मैं समझता हूँ। देखिए अब जैसे कि ये तो लकवा का मारा हुआ करीब करीब मुर्दा टाइप लाश टाइप ही है, इसमें कुछ नहीं है, इसके सारे मतलब अवयव बेकार हैं, और इसको लेने के लिए कम से कम 4 तो लगेंगे ही, और ये 4 लगातार उसके घर से यहाँ तक लाए, और घर से यहाँ तक जहाँ तक यीशु मसीह था जो पतरस के घर में है मैं बताऊंगा आगे, तो वहां तक लाने के लिए ये 4 लोग लगेंगे, तो 4 लोग बीच में शिफ्ट होते गए, जैसे लाश वगैरह को ले जाते हैं ना कब्रस्तान अपन कंधे पे रख के, तो बीच में दौड़ दौड़ के बदलते रहते हैं लोग, बदलते रहते हैं, लेकिन 4 रहते हैं, हो सकता 5-6 भी रहे लेकिन 4 तो रहते ही हैं, 4 कोने पकड़ के और बीच बीच में बदलते रहते हैं, तो इसीलिए कई लोग बोला होगा जो भी है, और मरकुस ने 4 लोग बोला है, इट डजंट मैटर, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेके आए। और तो उसके बाद देखिए 4 लोग को लाए तो ठीक है, अब ये 4 लोगों को कई लोगों ने कई प्रकार से कमेंट्रीज किए हैं और लोगों ने बताया, कई 4 बोलते हैं 4 गॉस्पल हैं, ऐसा करके भी प्रचार करते मैंने सुना, कई जगह बोलते हैं पहला है कि एक प्रेम है लव है, दूसरा बोलते हैं फेथ है विश्वास है, और तीसरा बोलते हैं डिटर्मिनेशन है मतलब दृढ़ निश्चय है, और उसके बाद चौथा कोऑपरेशन है मतलब सहकारिता सहभागिता है, ये 4 नाम दिए, 4 कोनों को 4 लोगों को 4 नाम दिए। अब ये जो 4 लोग लेके चले जा रहे हैं लेके आ गए, अब देखिए यहाँ पर जो है पतरस का घर है ये, ऐसा भी मैंने कमेंट्रीज में पढ़ा है, लोगों को बोलते सुना भी है, भले यहाँ स्पष्ट लिखा ना हो, लेकिन पतरस का घर है और इस घर में यीशु मसीह आया है और यीशु मसीह यहाँ पर है और यहाँ पर भीड़। पुराने जमाने में ऐसा था कि जहाँ पर कहीं कोई चीज फंक्शन वंक्शन होता था ना तो गाँव वालों को न्योता देने की जरूरत नहीं थी, सब इन्वाइटेड, एवरीबडी इज इन्वाइटेड, अंडरस्टूड है वो, तो मतलब वो टेक इट ग्रांटेड दैट एवरीबडी इज इन्वाइटेड, तो वो सब लोग वहां आ जाते, भीड़ हो जाती। यहाँ पर भी यीशु मसीह था तो यहाँ पर भी एक भीड़ हो गई, और यीशु मसीह के पीछे भीड़ होना तो वाजिब भी है, आश्चर्य कर्म भी करता है, अच्छा उपदेश भी देता है, और इसके दुनिया भर के बातें यहाँ पर होती हैं, और कुछ लोग उसके नुकसान निकालने के लिए फरीसी सदूकी लोग हैं, कोई इसमें गलती है उसकी खामी कोई निकालेंगे करके, क्रिटिसाइज करने के लिए, कोई अप्रिशिएट करने के लिए, कोई बेनिफिट पाने के लिए, कोई कुछ भी करने के लिए, लेकिन भीड़ यहाँ पर यीशु मसीह के पीछे रही। यीशु मसीह के पीछे क्या, यीशु मसीह के पैदा होने के पहले से ही उसके पीछे भीड़ थी, मरियम को जगह ही नहीं मिल रही थी भीड़ के मारे, जगह भी मिली तो कहां पर, गौशाला में मिली, और गौशाला में भी मिली तो क्या हुआ, वहां पर
स्वर्गदूत आ गए और मतलब ये यीशु मसीह वहां पैदा हुआ और उस गौशाला को उसने एक मंदिर में कन्वर्ट कर दिया। मतलब क्या हुआ कि गौशाला हैज बीन कन्वर्टेड टू ए टेम्पल, एक मंदिर बन गया, वो इतना भव्य हो गया, रोशनी से भर गया, क्योंकि यीशु मसीह वहां पैदा हुआ। भीड़ वहां पर, यीशु मसीह जहां भी जाए भीड़, क्रूस पर जा रहा है तो भी भीड़ है। काहे के लिए? कुछ तो रोने के लिए, कुछ तो अफसोस करने के लिए, कुछ तो खिल्ली उड़ाने के लिए, कुछ तो उसको और मारने के लिए, कुछ तो मजा देखने के लिए, कुछ तो फसा पर्व मनाने के लिए, और चल रहे हैं कुछ तो ना मालूम क्या है, भीड़ चल रहा तो अपन भी चले, चले ऐसा भी चले, ऐसा भी चले। ये है जो भी है, इतना जरूर है कि ये लकवा का मारा हुआ आदमी है और इसमें करीब करीब निश्चल है, मूवमेंटलेस है ये, और इसको उठा के लाए खाट पर, बोलता है और इंग्लिश में कई मैट बोला है, चटाई बोला है, हार्ड कार्डबोर्ड टाइप का चटाई होगा जो मोड़ता भी है, वो फोल्ड हो जाता है ऐसे टाइप का, उसमें पकड़ के चार लोग लेके आए। और लेके आने के बाद इस लकवे को देखिए, इसने कभी कुछ मना किया टाइप का लगा नहीं मुझको, मना करने क्या कुछ नहीं, कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं किया, इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। मतलब ये लकवा जो है, इसमें आप देखिए कि लकवा ये इसके कोई अवयव काम नहीं कर रहे हैं, मतलब इसके सारे अवयव डेड हैं। हाथ है लेकिन कोई काम का नहीं, पैर है लेकिन कोई मूवमेंट नहीं है, सिर है लेकिन कुछ सोच विचार नहीं है, आंख है देख रहा है कि समझ रहा है कि नहीं मालूम, कान है सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है ये भी नहीं मालूम, कोई एक्शन नहीं, कोई रिएक्शन नहीं है, ऑलमोस्ट ऑल डेड और सेंसलेस बॉडी टाइप का पड़ा हुआ है। अब देखिए, ये मैं करता हूं आपको एफिसियों की पत्री में आप पढ़े होंगे, जैसे उसके साथ में देखिए, सत्य से अपना कमर कसले बुलाए, इसका कमर कसने का सवाल ही नहीं उठता है। धार्मिकता का और झिलम का वस्त्र पहन ले बोलता है, पहनने का सवाल ही नहीं, कोई पहनाता होगा तो पहनाता होगा, नहीं तो ऐसे ही ओढ़ वाड़ के रख देते होंगे, क्योंकि ये पैरालिटिक है, ये कांट डू एनीथिंग, कोई काम ये कर नहीं सकता है, स्पिरिचुअली मैं बात कर रहा हूँ, स्पिरिचुअली डेड है, ना इसमें कोई सत्य के नाम का कोई चीज है, ना कोई प्रभु यीशु मसीह का समाचार है, वही सत्य है, वही मार्ग है, उसका कोई भी इसमें असर नहीं है। और धार्मिकता का झिलम पे तो पहनने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि ऐसे धार्मिकता जो है इसके ऊपर है नहीं, है तो भी दिखावे का है, जिसका मन परिवर्तित नहीं हुआ वो दिखावे में चले जाता है, और दिखावा है, और दिखावा हिपोक्रेसी, ये कोई काम का चीज का नहीं है। पांवों में मेल के सुसमाचार के जूते पहनो करके एफिसी में दिया हुआ है, ये जूते कहां से पहनेगा, इसके पैर तो लुंज है, पैरालाइज्ड है, ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता, उठने का ही सवाल नहीं उठता, ये पैर में जूते कहां से पहनेगा, स्पिरिचुअली ना ये किसी प्रकार का काम कर सकता है, स्पिरिचुअली ना ये किसी प्रकार का पहन सकता है, स्पिरिचुअली ये किसी प्रकार का जूते पहन सकता है, ना बंद मान सकता है, और ना किसी प्रकार का ढाल ले सकता है, विश्वास नाम का चीज ही नहीं है इसमें, तभी तो ये डेड बॉडी हो गया, स्पिरिचुअली मैं बोल रहा हूं, फिजिकली नहीं, आत्मिक रूप से ये मृत है, क्योंकि ये विश्वास का ढाल लेने का सवाल ही नहीं उठता है। और टोप उद्धार का पहनो बोलता है, ये टोप कहां से पहनेगा, समझ में नहीं आ रहा, इसके पास अकल भी नहीं है, क्योंकि अकल मारी गई है, शैतान के गिरफ्त में हो गए हैं, शैतान के अधीन हो गए हैं, ये कैसे हो गया, मतलब ये सारा आत्मिक जीवन इसका खत्म हो गया, स्पिरिचुअली ये डेड हो गया, अब इसको कोई लोग ही ले जा सकते हैं, और कौन कहां ले जा सकता है, ये सही जगह ले जाने वाला कोई होना चाहिए। देखिए, फ्रेंड्स को रखना, फ्रेंड्स पालना, फ्रेंडशिप करना सही चीज है, मैं इसके अगेंस्ट में नहीं हूं, ना कोई बोलता है, लेकिन सही फ्रेंड्स को रखना, सही फ्रेंड्स को पाना, सही मित्रता और सही चीज होना, यह बहुत चीज है, इसका बड़े तौल नाप तौल के हमको देख के करना पड़ता है कि किसके साथ रहें, किसके साथ ना रहें। असली दोस्त कौन है जो तकलीफ में साथ दे, असली दोस्त कौन है जो हमारी शुद्धि ले, असली दोस्त क्या है, अपना रोटी हमें दे, आधी रात में भी जाके मांगे तो अपना पेट काट के वो दे सकता है, अपना अंश तुमको दे के बांट सकता है, एक भाईचारे का प्रेम, एक मोहब्बत जिसमें है, वही सच्चा दोस्त है। इन लोग मेरे को लगता है इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है, इनकी संगति बहुत अच्छी है, इनकी कलिसिया बहुत अच्छी है, एक दूसरे से अच्छे जुड़े हुए हैं, मोहब्बत से हैं,
प्रेम भाव से हैं, पारिवारिक संबंध जैसा हो गया है, इन लोग इसको बड़े हुए देख नहीं सकते, ये लकवा मारा हुआ क्या बोलेगा, मेरे को लेके जाओ, मेरे को यीशु मसीह के पास ले जाओ, यीशु मसीह आया है, ये तो बोलने का है ही नहीं, ये तो इशारा भी नहीं कर रहा। लेकिन ये लोग जा रहे हैं, ऐसे मंडली, ऐसी कलिसिया, ऐसे दोस्त होना चाहिए जो कि साथ में लेके उसकी सुधि लेके उसके साथ जा सकते। देखिए बीमार रहे तो आते हैं लोग, देख के चले जाते हैं, बात ठीक है, एक विजिटिंग हो जाता है, एक रूटीन है, जाना है यार, चलो यार बीमार था एक बार देख ले। अरे भाई, और आते हैं ना तो जो भी आते हैं तो एक आध इलाज नुक्स बता के ही जाते हैं, ये भी देख लेना, अपने हिंदुस्तान में तो कम से कम ये बहुत वाजिब है। मैं पूरे कमर में L4 L5 के बीच में ब्लॉकेज था, मेरा एक पैर चल नहीं रहा था, उठ के खड़ा नहीं हो सकता था, और खड़ा भी हुआ तो किसी के सहारे से खड़ा होना पड़ता था। ऐसे समय मैं बिस्तर पे पड़ा हूं, एक जन मुझको देखने आया, एक शख्स आके क्या बोलता है, जब वेलोर जाना है, अच्छा है सर, रिजर्वेशन करा लीजिए सर, और वो आप बिल्कुल ऊपर वाला बर्थ ले लेना सर, बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं रहता, आराम से जा सकते। अरे मेरे बाप, मैं खड़ा नहीं हो सक रहा हूं, मेरे को थ्रू तीसरे बर्थ पे, अपर बर्थ पे, टॉप बर्थ पे पहुंचा रहा है, कहां से जाऊंगा, तू या तेरा बस चले तो तू मेरे को सीधा टॉप पे ही पहुंचा देगा। सोचा मैं चुप रहा, ऐसे ऐसे एडवाइस भी हमको मिल जाते हैं। लेकिन एक चीज देखना, सही स्थान पर, सही भीड़ में, सही जगह पर ये दोस्त लोग इसके लेके आए हैं। अब जब लेके आए हैं इसको, तो यीशु मसीह के पास जाने के लिए पिछले वाले में भी शायद अपन ने जक्के में देखा, अवरोध है। कैसे अवरोध है, एक भीड़ है, एक भीड़ के कारण से हम जा नहीं पाते हैं। लेकिन जाने वाले, खोजने वाले खोज लेते हैं, जाना चाहे तो चले जाते हैं, यदि यह निश्चय कर लिया तो जा सकते हैं। जब तक हम निश्चय नहीं कर लेते तब तक नहीं हो सकता। तभी तो इन चार लोगों में कहा है, जो चार लोग लेके गए हैं, एक प्रेम है, और दूसरा भाई विश्वास है, और तीसरा जो है एक दृढ़ निश्चय वाला आदमी है, और चौथा जो है सहकारिता, सहभागिता, सबके साथ मेलजोल करने वाला, फ्रेंडशिप करने वाला है। ऐसे लोग लेके गए इसको, और यहाँ पर इसके जब लेके गए, भीड़ के मारे जा नहीं सकते थे। अब मैंने बोला ना, एक मतलब एक डिटर्मिनेशन हमारे अंदर में हो, एक संकल्प हमारे अंदर में हो, एक चाहत हमारे अंदर में हो, तो सारी चीजें मिलकर हमारे लिए भलाई हो सकता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ स्वर्ग का द्वार खोल के रखा है कि आओ करके बुलाता है, ओपन इनविटेशन है। आज तुम यदि उसको ग्रहण करोगे तो वो उसके दरबार में जाने के अधिकारी हो जाओगे। याद रख के चलना, क्योंकि यहां पर एक जो ये इन लोगों ने लेके गए, भीड़ के मारे नहीं जा सकते, तो मैंने कहीं पढ़ा, यदि दरवाजे से नहीं तो छत से होके चले जा, लेकिन जा अंदर। If not from the door, go to the roof. और ऊपर जाके चलो। उस समय, अब उसके मैं कई चीजें बताता हूं, मैंने पढ़ा इसलिए मैं आपको बताता हूं। देखिए, खपरेल के मकान जैसा अपना आइडिया रहता है, खपरेल हटाए और वहां से उनको उतारे। एक तो ये कैसे चढ़ाए होंगे नहीं मालूम, मड के रहते थे, और बोलते हैं कि उस समय जो है पत्ते झंझे ये वो सब डंडी पत्ते कचरा लेके, पूरा भूसी उसी लेके, मट्टी के साथ घेरा बना के, गारा बना के, उसको ऊपर जो है एक लिंटल डालते थे। पहले लकड़ियां वगैरह, पत्ते वगैरह सब डाल के उसके ऊपर लिंटल डालते थे, और वो है, और कहा ज्यादा पानी गिरे तो ये तो गल के बह भी जाता था, ऐसा भी करके मैंने पढ़ा है। तो पक्का हो गया कि वैसे मकान है, तो ये जाके उसको तोड़े हैं, मकान को तोड़ रहे हैं, और तोड़े हैं तो हल्ला तो हो गई यार, इतना भीड़ भरा हुआ, कितना भी भीड़ ऊपर से तो एक रोशनी टाइप का भी आ जाएगा, क्या टूट रहा है, क्या हो रहा है, वो तो ठीक है। दूसरी तरफ मैं बताऊं, पतरस के मकान है, और पतरस का मकान है तो पतरस के घर में क्या हो रहा होगा, एक तो भीड़ के मारे परेशान होंगे, ये दूसरा इसी के मत्ती रचित सुसमाचार के आप 8वें अध्याय में, ये पिछले अध्याय में आप जाके देखेंगे तो वहां पर पतरस के घर के बारे में मतलब मिल जाएगा कि पतरस के सास को उसने चंगा किया। मतलब 18:8-14 से लेकर पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा, यीशु तब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा, और 15 कहता है उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। मतलब कंप्लीट इंस्टेंट हीलिंग उसको मिल गई। अब मैं ये सोचता हूँ कि पतरस की पत्नी पहले पतरस को बोलती होगी, तो सारा मछली का धंधा छोड़ दिया, कमाना छोड़ दिया, यीशु मसीह के पीछे दीवाना बन के घूमता है, प्रचार करता है, क्या फायदा होता है, यहाँ तो घर में है, दाने दाने के लिए तरस रहे हैं, कपड़े लत्ते के लिए तरस रहे हैं, सब देखो कितना त्यौहार मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, अपने यहाँ कुछ भी नहीं है, खाने को नहीं है, ये सोच के रोज तंग करती होगी, जब भी ये घर आता होगा तो जान तो खाती होगी, ये तो पक्की बात है। लेकिन हुआ क्या,
यीशु मसीह को सब मालूम था, पहले गया इसके मकान को क्या होने वाला ये भी मालूम है, इसलिए पहले से इंतजाम कर दिया, जाके उसके सास को बुखार में था तो उठा दिया। अब मेरी माँ ठीक हो गई, पतरस, मिसेस पतरस बोलती, मेरी माँ ठीक हो गई तो वो उसके दिल में एक उल्लास भर गया। अब वो चिल्लाती होगी, मेरा हस्बैंड जैसा कोई होशियार आदमी चार में नहीं है, पूरे कफरनहूम खोज लो कोई नहीं, क्योंकि पतरस जो है सही पहचान है, सही गुरु को पहचाना, सही पकड़ा, क्या मेरी माँ को चंगाई दिया उसने, फटाक से चंगा कर दिया और उठ के चल फिर के उसकी सेवा भी करने लग गई। इतने मतलब उसको ऐसा तैयार हो गई कि अब मकान टूट रहा तो बोलेंगे वो देख तो तेरा मकान टूट रहा है, अरे टूटने दे, ऐसे मकान कई बन जाएंगे, मेरा प्रभु मेरे साथ में रहेगा ना, तो यहाँ क्या मेरा मकान वहां बनेगा, यहाँ की मकान की मैं चिंता नहीं करती। ये गवाही होगा, पतरस से पूछते होंगे तेरा मकान टूट रहा है, तो बोले क्या मकान टूट रहा है ना, मेरी जान थोड़ी जा रहा है, मेरी जान भी जाना चाहिए ना, तो मैं जान भी देने को तैयार हूँ। याद रखना, जब प्रभु के प्रेम में हम भर जाते हैं ना, तो नथिंग कैन स्टॉप अस, हमें कोई चीज रोक नहीं सकता, ना कोई पैसे का प्रॉब्लम, ना कोई रिलेशन का प्रॉब्लम, ना कोई नौकरी का प्रॉब्लम, ना कोई सेहत का प्रॉब्लम, ना कोई जात का प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम मेरे को रोक नहीं सकता, क्योंकि मैं प्रभु यीशु मसीह में जुड़ गया हूं। और यहां पर क्या बोलता है देखना, बहुत उठपटांग लगता है ना एकदम, कि यहां पर रोगी को लाए तो पकड़ के जैसे उसके सास को उठा दिए, इसका हाथ पकड़ के उठाता तो उठ जाता, या यीशु मसीह एक बार बोल दे हे उठ, लाजर कब्र से निकल के आ गया, इसको उठाने में क्या टाइम लगता। लेकिन मेरे यीशु मसीह को मालूम है कि किसके साथ कैसे कब क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, मेरी आवश्यकता क्या है, मुझको कैसे ट्रीट करना है, मेरे आवश्यकता के अनुसार मुझसे बातें करता है, तुम्हारी क्या आवश्यकता है उसको जानते हुए तुमसे बातें करता है, तुमको जगाता है, तुमको उठाता है, जरूरत में डालता है, सिखाता है, तंगी में लाता है सिखाता है, परेशानी में लाता है सिखाता है, दर्द में लाता है सिखाता है, दुख में देता है सिखाता है, आत्मा में शक्ति मिलती है, बढ़ते हैं जीवन में, आगे बढ़ते हैं, बढ़ते 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 इतना बढ़ जाते हैं कि बाकी ये सारी मकान पकान टूट जाए, कुछ भी हो जाए, मेरी जान भी चले जाए तो कुछ नहीं है, क्योंकि मेरा प्रभु यीशु मसीह को मैंने पा लिया और सारी चीजें मेरे लिए मिलकर बहुत ही अच्छी हो गई हैं, सब चीजें भले के लिए हो गई हैं, ये हमारी चीज में चलेगा। यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह ने क्या किया, उसका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा हे पुत्र ढाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। चंगाई के लिए आए, पाप क्षमा हुए, कैसा लगता है? अरे ऐसा सोच रहे थे कि भाई बोलेगा उठ जा आ जा ये, लेकिन बोलता पाप क्षमा हुए। पहले जो है इन्फेक्शन का कारण क्या है, ये बुखार क्यों आ रहा है ये पकड़ना है, या बीमारी का जड़ कहाँ है ये पकड़ना है, कैंसर है तो कौन से पार्ट में है, कहाँ बॉडी के कुछ भाग में, इसको पकड़ना है, और उसके बाद इलाज शुरू होगा, उसके पहले कोई इलाज नहीं होगा। यहाँ पर यीशु मसीह जो है डॉक्टरों का डॉक्टर, महान वैद्य, वैद्यों का वैद्य, परमेश्वर, पूरी सृष्टि का कर्ता, सृजनहार, पालनहार, तारणहार, ये मेरा यीशु मसीह जानता है हर कि इसको पाप को क्षमा करना है, और उसके साथ साथ लोग जो हैं उनकी सारी शंकाओं को भी दूर करना है। तेरे भार पाप क्षमा हुए, क्या है पाप के कारण? डिसीज होता है, डिसीज के कारण पाप होता है, जो भी होता है, लेकिन ये रिलेशन है, और हर एक डिसीज जो है, हर एक रोग पाप से नहीं होता, लेकिन पाप के कारण रोग होता है, ये चीज है, क्यों पाप एक रोग है। और देखिए आप पढ़ेंगे भजन संहिता उसके 32 और 1 में आप निकाल के पढ़ सकते हैं, मैं आपके पढ़ के सुनाता हूं। क्या ही धन्य है वह जिसके अपराध क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो, भजन संहिता 32:1 में कहता है। और वैसे पहले योहन्ना पहला अध्याय 8 और 9 वचन भी आप पढ़ लेना, उसमें मैं थोड़ा बहुत आपको पढ़ के सुनाता हूँ। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं, तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है, हम में सत्य नहीं है, क्योंकि हम अपने आप को धोखा देते हैं। तो मतलब पाप हमारे अंदर में है, और इसलिए उसने क्या बोला कि तेरे पाप क्षमा हुए। और ये भी मीका के 7वें अध्याय के शायद 19वें वचन में ऐसा भी कहता है कि तेरे सारे पाप जो हैं गहरे समुन्द्र में डाल देगा करके लिखा हुआ है, मीका 7 और 19 शायद।
दूसरे आखिरी भाग को मैं बता रहा हूं, और ये समुन्द्र में डाल देगा। मतलब ये चीजें जो है हमारे जनरल एक इलाज के लिए और जनरल एक समझ के लिए यीशु मसीह ने बहुत बड़ा उदाहरण यहाँ पर देके हमको समझाया। देखिए यीशु मसीह जो भी बात किए है ना, तो समझदारी से किसको कैसे बोलना है, किससे कैसे बात करना है, समझदारी से किया है। जैसे एक अंधा है, उसको जो आंख बोल दे तो जाके वो नहा के धो के आ, तब तेरा आंख जो है ठीक हो जाएगा। नाम उसको कोढ़ी आया, उसको बोला कि तू जा 7 बार डुबकी लगा, तेरे को ठीक होगा। किसी को ठीक करने के बाद बोला तू गांव में मत आना, चले जा। किसी को बोला फॉलो मी, किसी को बोला मंदिर में जाके गवाही दो, किसी को बोला तू अपने घर चले जा, जैसे इसको यहां पर बोला। और ये देखिए, मतलब हर एक के साथ अलग अलग किया। एंड जीसस नोज हाउ टू टॉक टू हुम, टू हुम यू आर टॉकिंग एंड हाउ यू आर टॉकिंग, कैसे तुम बात कर रहे हो, किससे बात कर रहे हो। ये चीज सब कम्युनिकेशन में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं ना, कम्युनिकेशन में कम सबसे पहली चीज ये होना चाहिए कि तुम किसके साथ बात कर रहे हो और उनकी समझ के अनुसार बात करो। यदि उनके ऊपर से निकल जाए तो कोई बात का सवाल ही नहीं उठता। मैं एक एग्जाम्पल आपको बताना चाहता हूँ। देखिए अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक बोल रहा हूँ ना, फिजिक्स का जो है थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी वगैरह जो उसने किया वो, और चार्ली चैपलिन, दोनों एक स्टेज पे थे। दोनों के जो भी है हुआ कार्यक्रम था इन दोनों का, उसके बाद सब हुआ तो आखिरी में क्या हुआ, एक आदमी ने बोला सॉरी, आपको मालूम लोगों ने ताली बजाया, दोनों के लिए ताली बजाया, मतलब चैपलिन के लिए भी ताली बजाया और आइंस्टाइन के लिए भी ताली बजाया। आइंस्टाइन के लिए ताली इसलिए बजाया कि कुछ समझ में नहीं आया, और चार्ली चैपलिन के लिए ताली इसलिए बजाया कि सब कुछ समझ में आया। कॉमेडियन था, पूरा अच्छे से समझता है लोगों को कैसे बताना क्या है। ये दो विद्वान आदमी अपनी छोरी लेके बताया होगा, किसको पता क्या छोरी है। यीशु मसीह छोटे छोटे उदाहरणों को लेके बताया, करीब करीब मत्ती में बोलते हैं 49 उदाहरण दिए, कुछ ऐसा मेरे को याद आ रहा, कहीं मछली कहीं राई का बीज कहीं पहाड़ कहीं ये कहीं वो कहीं जाल कहीं सांप कहीं अंडा कहीं कुछ कहीं छोटे छोटे चालू एकदम पैरेबल्स लेके उदाहरणों को लेके उसने बात किया ताकि लोगों को समझ में आ जाए। यहाँ पर लोग हैं, ये बाकी लोग जो है ना उनकी भी मनसा उनकी भी जो बात दर की बात है उसको भी जानता है यीशु मसीह, और जानते हुए वो काम करने के लिए उसने पहले इनको बोला कि ढाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। देखिए मतलब पाप का क्षमा होना बहुत जरूरी है, नया जन्म पाना बहुत जरूरी है। एवरी वन नीड्स टू बी सेव्ड बोलता है, पहली चीज कि एवरी वन नीड्स, हर एक को उद्धार पाना जरूरी है। और दूसरी चीज, एवरी वन नीड्स टू बी सेव्ड कैन बी सेव्ड, जो कोई भी बचना चाहता है वो बच सकता है, जो उद्धार पाना चाहता है वो उद्धार पा सकता है। और तीसरी चीज, एवरी वन इज सेव्ड इन द सेम वे सेम मैनर, एक ही तरह से बच सकता है, मतलब एक ही आधार जिसे बच सकता है, तरीके अलग अलग हो सकते हैं, अप्रोच अलग अलग हो सकता है, पहुंच अलग अलग हो सकता है। मेरे से स्वप्न में बात किया होगा, मेरे को दर्शन दिया होगा, मेरे को पादरी से बुलवाया होगा, मेरे को कोई रिवाइवल कैंपिंग में मेरे से बात किया होगा, कोई बाइबल पढ़ते पढ़ते हो गया होगा, कोई ट्रैक पढ़ के हो गया, कोई सुन के हो गया, किसको एकदम ऑडिबल वॉइस ऊपर से आके बात हुआ वैसे बच गए, लोगों को कहीं पर जंगल में जाके बात किया वहां पर दर्शन दिया, मतलब कई प्रकार के टेस्टिमोनीज हम देखते हैं, कई प्रकार से किया है। लेकिन इतना है कि एवरीवन इज सेव्ड इन द सेम वे बाय जीसस, बट ओनली जीसस इज द ओनली वे बोला। और उसके बाद देखिए चौथा चीज जो है, एवरीवन सेव्ड कैन नो दैट ही इज सेव्ड, हर कोई जो उद्धार पाता है, प्रभु को पा लेता है, उसको मालूम हो जाता है कि मेरा उद्धार हो गया। ये कैसे, तो इसको मैं तो समझाने में असमर्थ हूं, लेकिन आपको समझना है तो अभी यीशु मसीह को पा लीजिए, अभी ग्रहण कर लो, पिता मुझे क्षमा कर, मैं पापी हूं, मैं तुझे ग्रहण करता हूं और तेरे साथ रहना चाहता हूं, मेरे पापों को क्षमा कर, तू मांग के दे, तेरे अंदर में जो पता चलेगा यू विल नो दैट यू आर सेव्ड, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये तुमको पता लग जाएगा। अब ये मतलब मैंने आपको चार बातें बताई, चार सच्चाइयां बताई उद्धार के बारे में। यहां पर बोलता है हे पुत्र ढाड़स बांध, तेरे पाप क्षमा हुए, मतलब ढाड़स बांध क्षमा हुए, मतलब हैव चीयर्स, इसको मैं बोलूंगा चीयर्स ऑफ सैलवेशन। एक जगह बोलता है
ढाड़स बांधो करके मरकुश सुसमाचार छठवें अध्याय 54 वगैरह में आप पढ़ के देखें, यीशु मसीह पानी पर चलते हुए आया तो वहां पर इन लोग देख के भूत सोच के डर गए। वहां पर यीशु मसीह बोलता है, डरो मत, ढाड़स बांधो, डरो मत, मैं हूं। और एक यूहन्ना 16:33 में बोलता है, क्या बोलता है, ढाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। अलग अलग ढाड़स दिया हुआ है जो कि 3 महीने आपको बताया है। यहां पर देखिए, ये जो बोलता है कि तेरे पाप क्षमा हुए, इतने में 3 वचन में क्या बोलता है, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा यह तो परमेश्वर की निंदा करता है। यही तो मालूम था इस मसीह को कि इन लोग ऐसा बोलेंगे, और ये भी मालूम था कि इन लोग इसीलिए आए हैं। वही मालूम है कौन किसलिए आया, कौन कैसे आया, कौन का किसका उद्देश्य क्या है, किसके कैसी व्यवहार है, किसकी मनसा कैसी है, कौन कैसे विचार का है, ये यीशु मसीह को सबसे पहले मालूम है, क्योंकि वही तो उद्धार करता, जगत का जन्मदाता, मेरे को बनाने वाला, मेरा परमेश्वर, मेरा पिता, मेरा सब कुछ है, वही पिता है, वही पवित्र आत्मा, वही पुत्र है, वही वचन है, वही सत्य है, और वो जो है सब कुछ जानता है, और इसलिए उसने ऐसा बोला। और उसके बाद यीशु मसीह देखिए, कई बार यीशु मसीह क्वेश्चन करता है और क्वेश्चन करने के बाद आंसर मांगता है। कई बार कई पोर्शन में देखेंगे यीशु मसीह क्वेश्चन करता है, आंसर मतलब आंसर के लिए वेट नहीं करता, खुद आंसर दे देता है। क्वेश्चन इसलिए करता है कि उसका आंसर देना है। समझ गया ना मैं जो बोल रहा हूं? मैंने मेरे अनुसार आप सोच के देखिए। क्वेश्चन यहां पर क्या बोलता है, इस पर चौथे वचन में कहता है, यीशु ने उनके मन की बातों को जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है, यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, यह कहना कि उठ चल फिर। अब बताओ, तेरे पाप क्षमा हुए बोलना है, यह इजी है कि ये इजी है कि उठ और चल फिर बोलना? दोनों में कॉम्प्लिकेशन है। इसको बोले तो उसमें फंसे, उसको बोले तो इसमें फंसे, ये सोचने लगे। और उतने में क्या बोलता है कि छठवें वेद देखिए, मैंने बोला तुरंत उत्तर देता, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। उसने अपने परमेश्वरत्व को प्रूव कर दिया कि मैं पाप क्षमा करता हूं। मतलब किसी आदमी में कोई ताकत नहीं कि वो पाप को क्षमा करे, जब तक परमेश्वर नहीं चाहेगा ये नहीं हो सकता। और मैं परमेश्वर का एक रूप हूं, एक अंश हूं, एक भाग हूं, एक पुत्र हूं, एकलौता पुत्र हूं, और जगत के उद्धार के लिए आया हूं, तुम लोग के लिए आया हूं, तुमको मैं समझता हूं। इसलिए कहता है कि तेरे पाप क्षमा हुए। और ये पाप क्षमा होने के बाद अब देखिए, अब सही ट्रीटमेंट पर आता है। इतने में लकवे वाले को क्या हो रहा है, कुछ वहां पर कोई सीन में कुछ नहीं है, लेकिन कुछ हलचल हो रहा होगा कि कुछ तो भी रिएक्शन दिख रहा होगा। लेकिन जो लेके आए वो सोचते होंगे, अरे यार हम तो सोचे कि ये तो उठा देगा, ये तो पाप क्षमा करने की बात कर रहा है, कैसे करेंगे? तो यीशु मसीह इनको भी सेटिस्फाई करने के लिए क्या बोला कि उठ और चल फिर, उठ जा और चल फिर। सारे पैरालिसिस जो अवयव थे, जिसको क्या बोलते हैं लकवा मारा हुआ, सारी चीज अपने आप में, हाथ चलाओ, हाथ चल, कायर चला, पैर चल, दिमाग सोच रहा, देख के मुस्कुरा रहा, समझ में आ गया कौन क्या है, कहां पर हूं, कैसे हूं, सारी चीजें अब क्या है, हलचल आ गया। ये एक आत्मा इसके अंदर में आ गई जो कि मृतक जैसा था, इसमें एक चाल आ गया है। और ये चाल कैसे आ गया है, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आ गया है। और क्या करता है देखना, इसके साथ क्या ट्रीटमेंट करता है यीशु मसीह, परंतु इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है, तब उसने लकवे के रोगी से कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर को चले जाओ। ये खाट लिखा है, मैट लिखा है, चटाई है, या जो भी जिस पर इसको ले आए हैं, बोले उसको भी तो उठा और उसको मोड़ा होगा, मोड़ के यदि चटाई है बगल में दबाया होगा तो उसको मत रखे रहा, याद करके रखे रहना, याद रखे रहना कि ये चटाई जिस पर तू था, इसके ऊपर से तू निकला है, तेरे पुराने पाप तेरे को जाएंगे, और लेकिन उनको मैं याद नहीं करता, सारे तेरे पापों को मैंने क्षमा कर दिया है, अब इसको लपेट दे, इसको हटा दे, इसको जो भी कर दे, तेरे को अब जरूरत नहीं है। लेकिन एक चीज है, तू अपने घर को जा, सबसे पहले गवाही कहां देना है, मेरे को मेरे घर में देना है, मतलब मेरी कलिसिया में देना है, मेरे लोगों के बीच में देना है। मैं यहां से 300 मील दूर जाके या विदेश में जाकर प्रचार कर दूं कि मैं फलाना, मैं ये हूं, मैं वो हूं, बोल दिया, किसको मालूम मैं क्या हूं,
लेकिन मैं अपने घर में खड़े होकर बोलूं कि मैंने उद्धार पाया है, मैं अपने कलीसिया में खड़े होकर बोलूं कि मैंने उद्धार पाया है, प्रभु यीशु मसीह को मैं विश्वास करता हूं, उसने मुझे बचाया है, मैं बोलूंगा, तब समझ में आएगा कि सही है कि नहीं है। क्योंकि मेरे लोग जो मुझको जांचने वाले, मुझको जानने वाले, वो पहले जानेंगे। इसलिए उसको बोलता है अपने घर को जा। देखिए मतलब अच्छा, 5-6 वचन के आखिरी में लिखा हुआ है, उठ अपनी खाट उठा और अपने घर को चले जा। मतलब तू अपने घर को जा, और जब तू अपने घर को जाएगा तो तेरे घर में गवाही होगी। यहां इस इंसिडेंट में एक देखिए, एक कलीसिया का रूप दे रहा है, एक संगति का रूप दे रहा है, एक यूनिटी बता रहा है, एक यूनिट को बता रहा है, एक फैमिली को बता रहा है। मतलब ये क्या है कि तुम यदि परमेश्वर की आज्ञा मानोगे तो तुम्हारे सारे पाप दूर हो जाएंगे, और जब तुम उसके अधीन हो जाओगे तो सारे दोष तुम्हारे दूर हो जाएंगे, सारे रोग तुम्हारे दूर हो जाएंगे। तुम जो पैरालाइज थे, तुम्हारे अवयव सब काम नहीं कर रहे थे, सारे अवयव काम करेंगे। मतलब सत्य से कमर कस लोगे, धार्मिकता के झिलम पहन लोगे, पाँव में मेल कब जो समाचार के जूते पहन लोगे, विश्वास की ढाल भी हो जाएगा, उद्धार का टोप भी हो जाएगा, आत्मा की तलवार भी तुम्हारे अंदर में हो जाएगी, पवित्र आत्मा तुम्हारे साथ में रहेगा, आत्मा तुम्हारे अंदर में वास करेगा, और तुम जो है एक नया मनुष्यत्व को लेके, नया मनुष्य बन के तुम आगे चलते जाओगे। क्योंकि कहता है कि यहां पर हर एक ने अपना अपना जॉब पूरा किया। मतलब क्या बोले कि जो जिनको लेके जाना था वो लेके गए, जिनको ऊपर तोड़ना था तोड़ दिए, जिसको चढ़ाना था चढ़ दिए, भीड़ में उतारना था उतार दिए, सीधा यीशु मसीह के पैर के पास उतार दिए। लोग देख रहे हैं क्या हो रहा है, कुछ नहीं, अंदर जाने को जगह ही नहीं, कोई हटने को तैयारी नहीं है, अपना अपना आसन लेके बैठे हुए हैं, अपना जगह लेके बैठे हुए हैं, कोई हटने को तैयार नहीं है। इसलिए ऊपर से चले जा, ऊपर से गया, यीशु मसीह के पास उतरा और सारी चंगाई उसको प्राप्त हो गई है। एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखिए मैंने लिख के रखा है, वी लाइक द डेस्टिनेशन बट डोंट वॉन्ट द वे। हमको एक कहां जाना है वो तो हमको मालूम है, प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार करना है ये मालूम है, हमको मरना है ये मालूम है, और स्वर्ग और नरक है ये हमको मालूम है, ग्रहण करना चाहिए ये मालूम है, लेकिन उस ग्रहण करने के तरीके को, उसको हम नहीं मानते, टालते जा रहे हैं उसको, वो रास्ता मेरे को पसंद नहीं है, क्योंकि मैं अपने रास्ता को छोड़ नहीं सकता। जब तक तुम अपने रास्ते को नहीं छोड़ोगे तो उसके रास्ते में कैसे पहुंचोगे? जब तक तुम मांगोगे नहीं तो तुमको कहां से प्राप्त होगा? जब तुम मांगोगे तभी तो तुमको देगा। जो कोई मेरे पास आएगा उसे मैं कभी नहीं निकालूंगा, नेवर फॉरसेक, कभी भी मैं छोड़ूंगा नहीं, निकालूंगा नहीं, बल्कि बुलाता है आ जाओ मेरे पास। और ये जो है मेरा प्रभु यीशु मसीह यहां पर हमको बोलता है कि तुम सारे पापों से बरी हो जाओ। कैसे? मेरे पास आओ, तुरंत एक शब्द, तेरे पाप क्षमा हुए और तू खत्म, पाप सारे निकल गए हैं। ये देखिए, हमको हमारे अंदर में एक सुनने वाली आत्मा भी चाहिए, वी शुड बी ए गुड लिसनर, हमको सुनने वाला भी चाहिए, ओरेटर बोलने वाला तो चाहिए, लेकिन पहले सुनना चाहिए। सुनने से विश्वास हमारे अंदर में आता है, जब सुन के हम विश्वास को अंदर लेते हैं तो वो हमारे मुंह से बाहर निकलता है, ये हमारी गवाही होती है, हमारे वचनों का प्रभाव होता है। और ये कब होता है? जब मेरे निकले हुए, यहां से निकले हुए वाचन तुम्हारे इधर जाकर इधर पहुंचे तो ये कम्युनिकेशन पूरा होता है, नहीं तो कम्युनिकेशन संचार जो संवाद वाहन जिसको बोलते हैं ये पूरा हो ही नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेम है, क्योंकि एक ही है जो उद्धार का देने वाला है, क्योंकि सलीब पर मेरे लिए उसने जान दिया है, क्योंकि मैंने उसको पहचाना है। इसलिए मतलब मेरे अंदर में एक प्रेम उबल के आता है, मेरी वाणी वो हो जाती है, जैसे कि देखिए मतलब तेरे वचनों से बल पाकर जीवन मैं बिताऊं करके गाती है लड़की, आशा नई और विश्वास तेरे आदर्श के लिए है, सच को जब पहचान लिया तो यीशु मसीह मेरा हो गया। कैसे हो गया? है ना, मतलब आओ मेरे अंदर में आ जाओ, मेरे अंदर में आ जाओ, मैं उसको बुलाता हूँ कि आओ प्रभु जी, इस मन में
इस टूटे हुए दिल में तू वास करो करके अजीजा गाती है। तेरे सिवा ना कोई मेरा आशा है, मेरा कुछ नहीं है, दुनिया में मेरे पास कुछ भी नहीं है। वो सच में वो सोचती होगी ना कि आई लॉस्ट माई हस्बैंड आल्सो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तेरा है। जब मुझे समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह मेरा है, तो फिर कोई दूसरी आशा की जरूरत नहीं है और आशा का टूटने का भी सवाल नहीं है, ये तो जुड़ते ही जाएगा। और क्या होगा, तब हमारे मुंह से निकलेगा कि इस जीवन को ग्रहण कर ले तेरे प्रभु, मुझे तो स्वीकार कर ले ताकि मैं जीऊं आगे तो तेरे लिए मैं जीऊं। कितना सुंदर है, आइए हम अपने दिल से उसको अंगीकार करें, उसके किए हुए सारे भलाइयों को हम सोचें, परमेश्वर के वचनों को याद करें। एक एक वचन को जब याद करोगे या पढ़ोगे, जब दिल से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, एक अंदर में एक आवाज आएगी मेरी। और आखिरी में कहता है वह उठकर अपना घर चले गया। यीशु मसीह ने बोला तू अपने घर को जा, और वो सीधा अपने घर चले गया। ऐसा नहीं कि बाकी मोहल्ले में घूमता रहा, नहीं, सबसे पहले अपने घर गया। उसके बाद जो तहलका मचेगा कि अरे ये तो उठ गया, कैसे हो गया, यीशु मसीह ने ठीक किया। वो अंधा क्या बोलता है, मेरे को नहीं मालूम कि वो कौन है। सच बात बताएं कि आई डोंट नो हु इज दैट मैन, मैं नहीं जानता हूं कौन है, लेकिन हाँ जो जानता हूं मैं बताता हूं, मैं अंधा था मैं देखता हूं। इससे बड़ी गवाही क्या आया, बाकी सारी चीजें अपने आप खुल जाती। याद रखना परमेश्वर प्रेम है, हमारे हर एक अपराध को क्षमा करने की शक्ति रखता है, करता है। इसीलिए सलीब पे उसने कहा हे पिता इन्हें क्षमा कर, एक यूनिवर्सल क्षमा याचना किया, खुल्लम खुल्लम किया कि जो कोई क्षमा प्राप्त करो तुम्हारे अपराध सारे मिटा देंगे। आइए हम बड़े लगन और भाई भक्ति के साथ उसके पास आए और उससे कहें प्रभु मुझ जैसे चीज को तूने एक्सेप्ट किया इसके लिए लाखों लाख धन्यवाद देता हूं, मैं तेरे आशीषों का भागीदार होने लायक नहीं हूं, मुझ जैसे नाचीज को खुदावन तूने चुना है, तूने उठाया है, ये अवसर दिया है, धन्यवाद प्रभु को धन्यवाद करो, धन्यवाद दो और उसकी सारी आशीषों को नाम बनाम गिनो। आइए हम इस गीत को सुनेंगे और उसके बाद दुआ करेंगे और आशीष प्राप्त करके इस सभा को खत्म करेंगे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल, ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर बेयरिंग मी। जब उसके वचन पढ़ते हैं ना तो हमें उसका अर्थ समझ में आता है, एक शक्ति मिलती है और उसके द्वारा हम अपने आत्मिक जीवन को मजबूत करते हैं, एक नई आशा मिलती है, दृढ़ विश्वास होता है, एक नई प्रेरणा प्राप्त होती है और ये जीवन का अर्थ समझ में आता है। जब जीवन का अर्थ समझ में आता है हम अपने आप को पूर्ण रीति से उसे समर्पित कर देते हैं और सारा जीवन यीशु के लिए अर्पित कर देते हैं।
खुदावंद धन्यवाद देते हैं इस जीवन के लिए, तेरे सारी आशीषों के लिए। खुदावंद आज के इस वचन के लिए भी धन्यवाद देते हैं। तेरी कृपा, तेरी अनुग्रह, तेरी ज्योति, तेरी प्रबलता, तेरी शक्ति को खुदावंद देखने के लिए जो अवसर दिया उसके लिए धन्यवाद देते हैं। तेरी कृपा अनुग्रह बने रहने दे। आज के इन कठिन परिस्थितियों में खुदावंद हम डर नहीं परंतु निर्भय होकर रह सकें, क्योंकि तू हमारा प्रभु परमेश्वर है। इसके लिए हम तुझे लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। आज के इस अवसर के लिए धन्यवाद देते हैं। आने वाले दिनों को जानते नहीं लेकिन तेरे चरणों पर रखते हैं। तेरे आने में समय हो और दिया हुआ जीवन हो तो और अवसर दे कि हम फिर मिल सकें और तेरे नाम की स्तुति आराधना कर सकें, तेरे आशीषों को बांट सकें, तेरे आशीषों को गिन सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो कबूल कर, आमीन। आइए हम आशीष ग्रहण करेंगे रेवरेंड ओबेड टोप्पो के द्वारा। मन से श्री परमेश्वर पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से आशीर्वाद ग्रहण। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुंह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे अब से लेके सर्व जालों कुशल देवे। आमीन 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 आमीन। इस सार